जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल रीवा इंडिया न्यूज़। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.rivaindianews.com। तो चलिए देखते हैं आज की ये खबर। बेमौसम बरसात से परेशान हुए किसान। मंडला में पिछले दो दिनों से जिले के अलग अलग क्षेत्रों में बारिश से कुछ जगह पर धान गीली हुई हैं। धान खरीदी केंद्र में बेमौसम बरसात के चलते किसान अपने ही धान के बोरे ढांकते हुए नजर आए। जिले के विभिन्न धान खरीदी केंद्र में कुछ इसी तरह के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कलेक्टर जगदीश चंद जटिया का कहना है कि बारिश से फसल को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। पानी से बचाव के लिए पर्याप्त मात्रा में त्रिपाल मौजूद हैं। उन्होंने अप्रिय स्थिति से बचने के लिए किसानों से अपील की है कि वो अगले दो दिनों तक धान क्रय केंद्र तक ना लाएं। बड़ी संख्या में धान खरीदी केंद्र पर आसमान के नीचे रखे धान को सोसाइटी उठा रही है। धान परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट से बात हुई है और जल्द ही परिवहन किया जाएगा। रीवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। धान कम से कम एक सप्ताह से यहाँ रखी है, कोई व्यवस्था नहीं है। पूरी अभी बारिश में पूरी गीली हो चुकी है धान, उसको फटाटा डाल के पंडी डाल के उसको अभी व्यवस्थित किया हूँ मैं, और तलाई उलाई की कोई व्यवस्था नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान ही नहीं है। तब भी नीचे से तो पानी जा ही रहा होगा? पानी जा रहा, पूरी धान गीली हो गई भैया, उसमें पूरा पानी भरा हुआ है, आप देख रहे हैं। मेरा नाम ओमकार सिंह ठाकुर है, मैं एक काश्तकार हूँ। यहाँ पे जो धान खरीदी हो रही केंद्र में, तो शासन की तरफ से यहाँ परिवहन की व्यवस्था भी कुछ नहीं बन रही है, ना धान उठाई हो रही है। जो केंद्र खरीदी प्रभारी है उसको कुछ नहीं कर सकते, जब उस तक धान नहीं उठेगी तो धान नहीं खरीद पाएगा। बारिश का मौसम है, पूरी धानें खराब हो रही किसानों की, जो धान माल तोल गया वो भी नहीं उठ पा रहा है, परिवहन व्यवस्था ही नहीं बन पा रहा है। इसलिए किसान को बहुत व्यवस्था से सामना झेलना पड़ रहा है। मौसम के कारण किसानों की धान वह हो रही है, गीली हो रही है, वो तुल भी ना पाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि शासन को कुछ यहाँ पे व्यवस्था बनाना चाहिए, तो परिवहन का काम भी हो और जे धान भी उठे, जैसे काश्तकार की मतलब तुलाई भी हो जाए, काश्तकार को दिक्कत भी ना जाए, जिससे किसानों का कुछ फायदा उठे। अभी तक यहाँ पे परिवहन नहीं हुआ? नहीं नहीं,